हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिक्स्थ क्लास सोशल साइंस लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड मेजरिंग टाइम्स। सो इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन जो मेन टॉपिक है उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ सो स्टार्ट। टुडे वी नो दैट अर्थ इज ए स्फीयर। सो आज के टाइम में हमें पता है कि अर्थ हमारी क्या है, स्फीयर है। एट प्रेजेंट इट इज पॉसिबल टू टेक फोटोग्राफ ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस विच शो दैट इट इज स्फेरिकल। सो अभी के टाइम में हम जो अर्थ की फोटोग्राफ है वो स्पेस से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये फोटोग्राफ हमें बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है। सो ये अगर हमारी अर्थ है और ये अगर हमारे फोटोग्राफ लेने के लिए कोई भी कैमरा जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह जिससे हम ले सकते हैं। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो when there were no space, settlers and rockets sending down and images of the earth from the space, people had no way of knowing that of what our planet looked like. So देखो, पुराने टाइम में हमारे पास ना ही तो हम स्पेस में जा सकते थे, ना ही हमारे पास इमेजेस लेने के लिए कुछ थी। तो लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि जो हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं उसकी शेप कैसी है, वो दिखने में कैसा है, अगर हम उसको बाहर से देखें तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है। टू गेट ए बेटर आइडिया अबाउट द अर्थ, टू बी एबल टू विजुअलाइज इट एंड टू नो वेयर एग्जैक्टली द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ले ऑन इट्स स्फेरिकल सरफेस। सो देखो, अगर हमें अर्थ के बारे में बेटर कुछ जानना है, कुछ आइडियाज है जो अर्थ की, या अर्थ के बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है, तो हमें पहले उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स वगैरह है, कहाँ पर ओशियंस वगैरह है। ठीक है। और उसके बाद में ही कहाँ पर स्फेरिकल सर्फेस है, उसके बाद में ही हम अर्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं। द एंशियंट पीपल क्रिएटेड द ग्लोब। सो जो एंशियंट पीपल, जो पुराने टाइम के लोग हैं, उन्होंने ग्लोब क्रिएट कर ली थी। द फर्स्ट ग्लोब वर बिल्ट बाय द एंशियंट ग्रीक अराउंड 150 BCE। सो जो सबसे पहले हमारी ग्लोब बनाई गई थी वो मान के चलो कि 150 BCE पहले बनाई गई थी। ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्लोब? सो अब हम इस के अंदर देखेंगे कि क्या होती है ग्लोब। सो ये जो पिक्चर आपको इसमें दिखाई जा रही है, ये क्या है, ग्लोब है। ठीक है। सो ए ग्लोब इज ए थ्री डायमेंशनल मिनीटरियचर मॉडल ऑफ द अर्थ। सो जो ग्लोब होती है वो हमारी क्या होती है कि अर्थ का थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। इट इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये एक हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसकी, अर्थ की। इट इज मोर एक्यूरेट देन ए फ्लैट मैप। और ये हमारे को मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है किससे, एक फ्लैट मैप से, एज इट फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये जिस तरीके का कर्वेचर है हमारी अर्थ का, उसी तरीके का कर्वेचर हम इसमें क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो गिवस अस द कोरेक्ट शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे को करेक्ट शेप एंड साइज भी बताती है कॉन्टिनेंट्स जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, कि क्या उनका साइज है, क्या उनकी शेप है। एंड कंट्रीज एंड शो डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन विदाउट डिस्टोर्शन। और हमारे को डिस्टेंस होगी, डायरेक्शन होगी, वो भी शो करती है विदाउट डिस्टोर्शन, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिए बगैर। ये हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोब्स। सो आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ तक ही करेंगे। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आपका होमवर्क में आपको क्या क्या राइट करना रहेगा,
ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर न्यू चैप्टर। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन राइट करना है अपने नए चैप्टर का। सो वो आप कहाँ से कहाँ राइट करोगे, आप इस लाइन से स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, और आपको ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है वो अपनी बुक में क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद में व्हाट इज ग्लोब के अंदर आप ग्लोब में यहां से राइट करोगे, वो यहां तक आप क्या करोगे इसको राइट करोगे। सो दिस इज योर रिटन वर्क एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न दीज वर्क। सो ये आपका रिटन वर्क है, और इसी वर्क को आपको एक बार क्या करना है, रीड आउट करना है, और इसी को क्या करना है, लर्न करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू।